सोलन में भी योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योग दिवस में स्कूली छात्र छात्राओं, जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पुलिस लाइन में आयोजित इस योग दिवस में न केवल योग करवाया गया बल्कि योग से होने वाले लाभ की भी विस्तृत जानकारी दी गई। सोलन में योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योग दिवस में स्कूली छात्र छात्राओं, जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पुलिस लाइन में आयोजित इस योग दिवस में न केवल योग करवाया गया बल्कि योग से होने वाले लाभ की भी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ में उन्हें ये भी बताया गया कि किस योग मुद्रा से किस रोग को दूर किया जा सकता है। इस मौके पर सभी युवाओं को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। विश्व योग दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मन, आत्मा और शरीर जीवन का आधार है और इनके उत्थान का सबसे बड़ा साधन योग है, इसलिए योग सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग एक साधना है। योग के महत्व को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को समूचे विश्व तक पहुंचाने के लिए 21 जून को विश्व योग दिवस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योग को प्रतिदिन हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। आज विश्व योग दिवस है। योग मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों जीवन के जो आधार हैं उनके उत्थान का साधन है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग एक साधना है और श्री नरेंद्र भाई मोदी ने योग को विश्वव्यापक एक स्वरूप देते हुए आज 21 जून को योग दिवस के रूप में परिवर्तित करके भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उजागृत किया है। सभी को नित्य प्रति अपने जीवन के अंदर योग को शामिल करना, ये उनके जीवन के लिए और राष्ट्र जीवन के लिए श्रेयस्कर है, ऐसा हमारा मानना है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।